रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाली निशान लगता है, जिसमें एक रेप पीड़िता और उनकी मां आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए कई दिनों तक थाना डी में चक्कर लगाती रही। जब वहां न्याय नहीं मिला तो पीड़ित महिला ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक अलोक प्रियदर्शी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां पर भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। ताजा मामला डी थाना क्षेत्र के केतुदन का है, जहाँ पर कुछ दिन पूर्व सचिन नाम का युवक किशोरी के साथ बलात्कार किया था और उसको धमकारा था, जब उसकी जानकारी किशोरी की मां को हुई थी। थाना डी से लेकर रायबरेली पुलिस अधीक्षक अलोक प्रियदर्शी के कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार हक हार कर न्यायालय की मदद ली। न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह की पुलिस कार्यशैली से पीड़ित परिवार को कितना न्याय मिलता है। प्राइम बीके न्यूज सनी के लिए राम भवन रायबरेली। क्या नाम है आपका? विमला देवी। पति क्या नाम है? संतोष कुमार। कहाँ के निवासी हो? खितान। क्या घटना घटी है? हमारे लड़की के साथ वो सचिन ने बलात्कार किया जी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? गई थाने में रिपोर्ट लिखा है जी, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ जी। तो उसके बाद गई ने एसपी किया जी, और एसपी किया से कुछ माने रजिस्ट्री करी, कुल का कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर गई रायबरेली, वहाँ से आदेश हुआ है। रायबरेली कहाँ गई हैं? कोर्ट गई हैं। हाँ, तो कोर्ट ने आदेश दिया है? हाँ, कोर्ट ने आदेश दिया जी। कोर्ट ने जो है मुकदमा लिखने का आदेश दिया।